applications of multimedia. Okay, so there are various sectors on which we see the application of multimedia. Okay, so there are various sectors and we will discuss it one by one. So first is this multimedia application in business sector. So multimedia can be used in many applications in a business. The multimedia technology along with communication technology has opened the door for information of global work group. Okay, this is work group. Okay, so what is basically globalization? Aap dekhiye globalization ke piche agar hum dekhe to appropriate logistic network aur internet ka bahut bada haath hai. ठीक है, इंटरनेट के थ्रू आप कोई भी इंफॉर्मेशन को रियल टाइम बेसिस पर ट्रांसफर कर सकते हैं और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क अगर आपके पास डेडिकेटेड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है तो आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज आप डिलीवर कर सकते हैं. अभी जैसे देखिए अर्बन क्लैप है, अर्बन क्लैप कंपनी क्या करती है कि आपको अगर इलेक्ट्रिशियन की रिक्वायरमेंट है, प्लम्बर की रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट है, आपने वहां पर अपनी रिक्वायरमेंट के लिए क्वेरी जनरेट की और आपने उसका जो भी है अपने टाइम बुक कर दिया, स्लॉट बुक कर दिया, तो उस टाइम पर आकर के वो विजिट करके चले जाते हैं. तो दैट इज व्हाट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉजिस्टिक सर्विसेज. ठीक है, अप्रोप्रिएट लॉजिस्टिक सर्विसेज का आजकल इस्तेमाल होने लगा है. ठीक है, तो ये दो मीडियम हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाए. ओके, सो द मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज ओपन्ड द डोर फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल वर्क. Okay, so today the team members may be working anywhere and can work for various companies. ठीक है, what is team member? Basically देखिए अब आजकल क्या है, जो भी काम या work है वो generally project के nature का है. Project क्या है, अगर client ने assignment दिया है तो वो उस time के लिए आप अपनी team बनाओगे और उस team को वहां पर deploy कर दोगे. ठीक है, दूसरी team बनाई वो दूसरी जगह पर भेज दी. ठीक है, तो इस तरीके से team members, तो today the team members may be working anywhere and can work for various companies. Okay, so thus the workplace will become global. Okay, and the multimedia network should support the following facilities like voice mail are there, electronic mail are there, multimedia based fax are there, office needs, employee training. ठीक है, आजकल जैसे हमें training देनी है तो अब हमें मतलब उसके लिए ऐसा नहीं है कि हमें रिसोर्स पर्सन को बुलाने की जरूरत है, हम ऑनलाइन ट्रेनिंग कंडक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सेल्स एंड अदर टाइप्स ऑफ ग्रुप प्रेजेंटेशंस, रिकॉर्ड मैनेजमेंट. रिकॉर्ड मैनेजमेंट इज व्हाट, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट. ओके, तो डॉक्यूमेंट अगर हमें मैनेज करना है, मेंटेन करना है और हमें कहीं पर भी एक्सेस करना है, दैट वी कैन डू बाय यूजिंग दिस मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस. ओके, सो दिस इज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया इन बिजनेस सेक्टर. ओके, नेक्स्ट इज दिस मल्टीमीडिया इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग. सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में ही किया जाता है, सेल्स प्रमोशन में ही किया जाता है. आप देखिए जितने भी तरीके के एड हैं, अब आजकल जो टेलीविजन में जो ट्रेडिशनल एड्स आया करते थे वो सभी अब रिप्लेस हो रहे हैं धीरे धीरे. आप देखिए तो लोग OTT प्लेटफॉर्म की तरफ मूव कर रहे हैं. ठीक है, इसके अलावा आप देखिए तो इंटरनेट में जो सोशल मीडिया है उस पर लोग टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद करते हैं इन कंपेरिजन टू वॉचिंग टेलीविजन. तो जो एडवर्टोरियल्स हैं वो सारे अब वहां से टेलीविजन की बजाय अब इधर परसेप्ट होने लगे हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर या इंटरनेट जो सोशल मीडिया है इस पर. ठीक है, तो बाय यूजिंग मल्टीमीडिया मार्केटिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स कैन बी ग्रेटली इनहेंस्ड. ओके, एंड मल्टीमीडिया बूस्ट कम्युनिकेशन ऑन एन अफोर्डेबल कॉस्ट ओपेंड द वे. आजकल तो इवन जो सिंपली हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, तो उसमें भी हम मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस इनबिल्ट कर सकते हैं. ठीक है, और हम उसके एप्लीकेशंस देखते भी हैं. जैसे अभी आजकल मैं देख रहा हूँ कि टीचिंग में केमिस्ट्री आपको पढ़ानी है या आपको मान लीजिए कि बायोलॉजी पढ़ानी है, तो आप ह्यूमन ऑर्गन का किस तरीके से वो वर्क करते हैं वो आप प्रॉपरली उसमें मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के थ्रू स्टूडेंट्स को इजीली समझा सकते हैं. ठीक है, किस तरीके से ब्लड का फ्लो डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स में होता है वो आप इजीली समझा सकते हैं मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के थ्रू. ठीक है, तो मल्टीमीडिया बूस्ट कम्युनिकेशन ऑन अफोर्डेबल कॉस्ट ओपेंड द वे फॉर द मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग पर्सनल प्रेजेंटेशंस दैट हैव फ्लाइंग बैनर्स. ओके, वीडियो ट्रांजिशंस, एनिमेशंस एंड साउंड इफेक्ट आर सम ऑफ द एलिमेंट्स यूज्ड इन कंपोजिंग अ मल्टीमीडिया बेस्ड एडवर्टाइजमेंट टू अपील टू द कंज्यूमर इन अ वे नेवर यूज्ड बिफोर एंड प्रमोट द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, अभी आप देखिए आपने कोई पेज खोला, वेब पेज खोला और अचानक से ही आपको एक फ्लाइंग एड दिख गया है ना, बैनर दिख गया,
या कुछ ऐसा साउंड टाइप का हुआ, और उसके बाद मान लीजिए फरारी का ऐड करना है, ठीक है, तो आपने उसमें कार का जो साउंड है वो ऐड कर दिया। तो ये सब क्या है, ये सभी मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस हैं जो कि मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, सेल्स प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया एंड मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया एंड एंटरटेनमेंट। सो बाय यूजिंग मल्टीमीडिया मार्केटिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट कैन बी ग्रेटली इनहेंस्ड, मल्टीमीडिया बूस्ट कम्युनिकेशन ऑन एन अफोर्डेबल कॉस्ट, ओपेंड द वे फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग पर्सनल। ओके, सो प्रेजेंटेशन दैट हैव फ्लाइंग बैनर, वीडियो ट्रांजिशंस, एनिमेशंस एंड साउंड इफेक्ट आर सम ऑफ द एलिमेंट यूज्ड इन कंपोजिंग अ मल्टीमीडिया बेस्ड एडवर्टीजमेंट टू अपील टू द कंज्यूमर इन अ वे नेवर यूज्ड बिफोर एंड प्रमोट द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। सो बेसिकली आप देखिए एंटरटेनमेंट में भी मल्टीमीडिया का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया इन एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया इन एजुकेशन। सो मैनी कंप्यूटर गेम्स विद फोकस ऑन एजुकेशन आर नाउ अवेलेबल, ठीक है। अभी आजकल जैसा अभी मैंने बताया बाइजू हैं और जो अदर इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म्स बनने लगे हैं एजुकेशन की फील्ड में, तो ये सभी क्या करते हैं इंटरेक्टिव वे में लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं। तो मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, ओके, सो मेनी कंप्यूटर गेम्स विद फोकस ऑन एजुकेशन आर नाउ अवेलेबल, ठीक है। फ्लिंटॉप बॉक्स करके भी एक आता है, तो इस तरीके के हैं, मतलब बहुत सारे टूल्स हैं जो कि मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के साथ स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ एन एजुकेशनल गेम विच प्लेस वेरियस राइम्स फॉर किड्स, द चाइल्ड कैन पेंट द पिक्चर, इंक्रीज रिड्यूस साइज ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा अपार्ट फ्रॉम जस्ट प्लेइंग द राइम्स। ओके, सो सेवरल अदर मल्टीमीडिया पैकेजेस आर अवेलेबल इन द मार्केट विच प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एंड प्लेइंग कैपेबिलिटीज टू किड्स। ओके, सो दिस इज द यूसेज ऑफ मल्टीमीडिया इन एजुकेशन सेक्टर। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया इन बैंक। सो इफ यू सी बैंक इज अनदर पब्लिक प्लेस वेयर मल्टीमीडिया इज फाइंडिंग मोर एंड मोर एप्लीकेशन इन रिसेंट टाइम, लाइक पीपल गो टू बैंक एंड ओपन सेविंग एंड करंट अकाउंट, डिपॉजिट फंड, विदड्रॉ मनी, नो वेरियस फाइनेंशियल स्कीम्स ऑफ बैंक्स, ऑब्टेन लोन एटसेट्रा। सो एवरी बैंक हैज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इट वॉन्ट्स टू इम्पार्ट टू इन कस्टमर्स। For this purpose, it can use multimedia in many ways, like जैसे display ads के form में हो सकता है। अभी आजकल जो हम chatbots का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो हम अपनी या जो भी हमारी automated query होती है वो हम उसमें feed कर देते हैं, और उसके बाद हमें अगर कह सकते हैं generic query है तो हमें उसका response भी मिल जाता है अगर वो FAQ से related है, otherwise वो हमें लिंक वगैरह प्रोवाइड कर देता है। सो बैंक ऑल्सो डिस्प्लेज इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स वेरियस स्कीम ऑन अ पीसी मॉनिटर प्लेस्ड इन रेस्ट एरिया फॉर कस्टमर्स। इसके अलावा आप देखिए बैंकिंग का जो पुराना सिस्टम हुआ करता था, पुराना सेटअप हुआ करता था, वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, ठीक है। पहले क्या होता था बैंक में, आपको हर एक काउंटर हुआ करते थे, उसमें लाइन लगानी पड़ती थी। अब आज के टाइम में क्या है, जैसे ही आप एंटर करते हैं, ठीक है, तो वहां पर चेयर्स वगैरह डली हुई है, और आप जैसे ही आपने एंटर किया तो आपको एक टोकन इश्यू हो जाता है, फिर फर्दर आप जाकर के चेयर पर बैठ जाते हैं और वहां पर आपका डिफरेंट डिफरेंट काउंटर्स पर टोकन फ्लैश होते रहते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका टोकन नंबर है उस पर आप जाकर के अपनी सर्विस अवेल कर सकते हैं, और इसके अलावा फ्लैश एड्स वगैरह जो चलाए जाते हैं, ठीक है, मॉनिटर स्क्रीन, पीसी मॉनिटर स्क्रीन पर, तो दैट इज बेसिकली मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। सो टूडे ऑनलाइन एंड इंटरनेट बैंकिंग हैव बिकम वेरी पॉपुलर, सो दे यूज मल्टीमीडिया एक्सटेंसिवली। मल्टीमीडिया इज दस हेल्पिंग बैंक्स गिव सर्विस टू दियर कस्टमर एंड कस्टमर्स एंड ऑल्सो इन एजुकेटिंग देम अबाउट करेंसी एक्सचेंज का रेट क्या है, तो वो सब, या गोल्ड लोन, होम लोन, उसकी कौन कौन सी स्कीम है, तो बेसिकली मल्टीमीडिया एप्लीकेशन इन बैंक, ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया इन हॉस्पिटल। सो अगर हॉस्पिटल के फील्ड में हम देखें तो मल्टीमीडिया बेस्ट यूज इन हॉस्पिटल इज फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ कंडीशंस ऑफ पेशेंट इन क्रिटिकल इलनेस और एक्सीडेंट। ओके, सो रियल टाइम बेसिस पर अगर हमें पेशेंट को मॉनिटर करना है तो वी कैन यूज दिस मल्टीमीडिया। ओके, एंड द कंडीशंस आर डिस्प्लेड कंटिन्यूअसली ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन एंड कैन अलर्ट द डॉक्टर, नर्स ऑन ड्यूटी इफ एनी चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन।
आप देखिए जो पेशेंट होता है उसको कई सारी मशीनरी से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उससे क्या है कि अगर कुछ भी उसमें उसकी बॉडी में या कुछ भी ऐसा चेंज आता है तो उससे तुरंत डॉक्टर या नर्स अलर्ट हो जाते हैं ड्यूटी के दौरान। सो दैट इज बेसिकली द मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। मल्टीमीडिया मेक्स इट पॉसिबल टू कंसल्ट अ सर्जन और एन एक्सपर्ट हु कैन वॉच ऑन गोइंग सर्जरी लाइन ऑन हिज पीसी मॉनिटर एंड गिव ऑनलाइन एडवाइस एट एनी क्रूशियल जंक्टर। ओके, तो देखिए आज के टाइम में अब ऑनलाइन एडवाइस देना भी पॉसिबल हो गया, क्योंकि जूनियर्स डॉक्टर होते हैं और सीनियर डॉक्टर ऑनलाइन रह करके उन्हें एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसका भी यूज होने लगेगा। अभी आप देखिए डॉक ऐप और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें कि आप डॉक्टर को उसकी क्लिनिक में विजिट किए बिना आप इसके थ्रू मीन्स अपने फोन के थ्रू आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं और वो फोन पर ही आपको जो कह सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। इवन फिर इसके बाद आप वहीं पर मेडिसिन भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और वो नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपको डिलीवर हो जाएगी। सो दैट इज बेसिकली यूसेज ऑफ दिस मल्टीमीडिया। ओके, इन हॉस्पिटल्स मल्टीमीडिया कैन ऑल्सो बी यूज टू डायग्नोस एन इलनेस विद सीडी रोम्स कैसेट डीवीडीज फुल ऑफ मल्टीमीडिया बेस्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस डिसीज एंड देयर ट्रीटमेंट। जैसे आज के टाइम में मैं बता रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने लगेंगे तो उसके बाद जैसे आपके ऑर्गन में जो भी चेंज आए, ठीक है, आपने अपने अगर फोन में वो ऐप इंस्टॉल कर रखा है तो उसके थ्रू उस चेंज को आप उसका पिक्चर क्लिक करके और इस फोन में अपलोड कर देंगे, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ये एनालाइज करेगा कि ये इस तरीके के चेंज या जो सिम्टम है वो किस वजह से दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो फिल्टर करके उसको बताता जाएगा कि ये इस बीमारी के सिम्टम हो सकते हैं, इस डिसीज के सिम्टम्स हो सकते हैं और उनके क्या प्रोबेबल ट्रीटमेंट हो सकते हैं। ठीक है, वो भी आपको सजेस्ट कर देगा। तो आगे आने वाले टाइम में, अगले 5 सालों में, 10 सालों में आपको ये चेंज भी इस फील्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो सम हॉस्पिटल्स एक्सटेंसिवली यूज्ड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इन ट्रेनिंग देयर जूनियर स्टाफ ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज। जैसा अभी मैंने बताया कि आपको क्रॉस सेक्शन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी बॉडी को लेकर के उसको क्रॉस सेक्शन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के थ्रू, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के थ्रू ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे अभी मैंने बताया कि आजकल स्कूलों में भी जो प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट का इस्तेमाल होता है, तो उसमें भी आप देखें तो जैसे ब्लड है वेसल्स में किस तरीके से मूव कर रहा है, या जो हार्ट है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है, लंग्स किस तरीके से काम करते हैं, तो ये सब फंक्शनिंग मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के थ्रू सिखाई जाती है। सो दैट इज व्हाट बेसिकली द एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया डिस्प्लेज आर नाउ एक्सटेंसिवली यूज ड्यूरिंग क्रिटिकल सर्जरीज। अब आजकल के टाइम में मल्टीमीडिया जो डिस्प्लेज हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है जब कोई क्रिटिकल सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है, कि अगर कोई भी चेंज है तो हमें टाइम रहते उसका अलर्ट मिल जाए, जिससे कि हम जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो हम अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर इन द फील्ड ऑफ हॉस्पिटल्स। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया पेडागॉग्स। ओके, पेडागॉग्स आर यूजफुल टीचिंग एड्स ओनली इफ दे स्टिमुलेट एंड मोटिवेट द स्टूडेंट्स। ओके, द ऑडियो विजुअल सपोर्ट टू अ पेडागॉग कैन एक्चुअली हेल्प इन डूइंग सो। सो अ मल्टीमीडिया ट्यूटर कैन प्रोवाइड मल्टीपल नंबर्स ऑफ चैलेंजेस टू द स्टूडेंट टू स्टिमुलेट हिज इंटरेस्ट इन आर टॉपिक। जैसे अब आजकल अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे बायजू है, या आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं जूनियर, व्हाइट हेड जूनियर करके है ना, तो उसमें क्या है इंटरेक्टिव 1-to-1 एक मेंटरेशन कर दिया गया और उसके थ्रू वो कोडिंग सिखाते हैं, तो ये क्या है बेसिकली मल्टीमीडिया पेडागॉग्स। ओके, सो द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय पेडागॉग हैव मूव्ड बियॉन्ड प्रोवाइडिंग ओनली बटन लेवल कंट्रोल टू इंटेलिजेंट सिमुलेशंस, डायनामिक क्रिएशन ऑफ लिंक्स, कंपोजिशंस एंड कोलेबोरेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग ऑफ यूजर इंटरेक्शन। सो सच टाइप ऑफ एप्लीकेशंस आर पॉसिबल बाय यूजिंग मल्टीमीडिया। ओके, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया सर्विसेज। द एडवांसमेंट ऑफ हाई कंप्यूटिंग एबिलिटीज, कम्युनिकेशन वेज एंड रिलेवेंट स्टैंडर्ड हैज स्टार्टेड द बिगिनिंग ऑफ एन एरा वेयर यू विल बी प्रोवाइडेड विद मल्टीमीडिया फैसिलिटीज एट होम। ठीक है, किस तरीके की सर्विसेज हैं जो कि आपको मिलती हैं? दीज सर्विसेज में इंक्लूड बेसिक टेलीविजन सर्विसेज, ठीक है, इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट। ठीक है, अभी जैसे पॉसिबल हो पाया है कि हम स्मार्ट टीवी जो हमारा सेलफोन है, ठीक है, उसको हम
टेलीविजन से कनेक्ट करके, और जो भी हम यूट्यूब या जो भी हम सर्फ कर रहे हैं फोन पर, वो हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट भी पॉसिबल हो पाएंगे। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया इन दिस सेक्टर, एज वेल एज डिजिटल ऑडियो आर देयर। ठीक है, वीडियो ऑन डिमांड, होम शॉपिंग, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर देयर, इंटरेक्टिव मल्टीप्लेयर ऑन सिंगल प्लेयर गेम्स, ओके, डिजिटल मल्टीमीडिया लाइब्रेरीज आर देयर। जैसा अभी मैंने बताया कि आपको अगर कोई बुक पढ़नी है तो आप जस्ट अपना इंटरेस्ट, अभी आप लोगों ने इसका कोरा के बारे में सुना होगा, है ना? कोरा में क्या है कि आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है, वो आप दो तीन इंटरेस्ट एरिया सेलेक्ट कर दीजिए, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ही वो आपको शो करेगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग अगर आप फर्दर अपनी नॉलेज एनहेंसमेंट करना चाहते हैं, तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया आर देयर, ओके, जो कि इन सब ये एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो डिजिटल मल्टीमीडिया लाइब्रेरीज आर देयर, जिसके थ्रू आप ऑडियो एंड वीडियो बुक्स भी आगे आने वाले टाइम में सुन सकेंगे। अभी आपका आजकल देखिए, जैसे बच्चों की जो कहानियां होती हैं वो किस तरीके से हैं, वो एनिमेशन के फॉर्म में है, वीडियोस के फॉर्म में अपलोड की हुई हैं, और वहां से वो एक्सेस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, सो लॉट मेनी कंटेंट आर देयर, ई न्यूज पेपर आर देयर, ई मैगजीन्स आर देयर, सो दीज आर बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया इन डिफरेंट सेक्टर्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। इफ यू वॉन्ट टू फर्दर एक्सप्लोर दिस टॉपिक, यू मे रेफर फॉलोइंग रेफरेंसेज एज वेल एज दिज टेक्स्ट बुक। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट रिगार्डिंग दिस, यू